हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज विजडम। आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी साइंस क्लास 7 चैप्टर 5, जिसका नाम है एसिड्स वेट्स एंड सॉल्ट। पिछले वीडियो को देखने के लिए यानी चैप्टर 4 के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज मैं पढ़ाऊंगी चैप्टर 5, ठीक है, एसिड्स वेट्स एंड सॉल्ट। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। और ऐसे कैंडिडेट्स जो नए हैं हमारे चैनल में, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़रूर शेयर करें। तो आज फटाफट स्टार्ट करती हूँ एसिड्स वेट्स एंड सॉल्ट। वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में, जैसे हुआ लेमन यानी नींबू, टैमरिंड मतलब इमली, कॉमन सॉल्ट यानी कि हम लोग साधारण नमक को जो यूज़ करते हैं, शुगर, चीनी, विनेगर यानी सिरके, ये सारे चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, डू दे हैव द सेम टेस्ट, क्या इनके जितने टेस्ट होते हैं क्या सबके टेस्ट समान होते हैं? ये सारे जो लेमन है, टैमरिंड है, कॉमन सॉल्ट है, शुगर है, विनीगर है, क्या सारे के टेस्ट एक जैसे होते हैं? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडेबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। ठीक है, तो इसे बताना है कि आपको ये बताना है कि जितने भी खाने वाले जो सब्सटेंस हैं उस पर आप ध्यान दें। ठीक है, कि जो खाने वाले सब्सटेंस होते हैं उसके जो टेस्ट होते हैं, एडेबल सब्सटेंस, आपको याद करना है कि आपने जो जो चीज़ खाया होगा तो क्या सारे चीज़ जो होते हैं खाने वाले सबका टेस्ट एक समान होता है? इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1। तो आपको क्या करना है कि इसमें से किसी भी सब्सटेंस का स्वाद क्या करना है, अगर आपने नहीं चखा है तो आप क्या कीजिए, चखिए, उसे टेस्ट कीजिए और उसमें जो रिजल्ट आता है आपको 5.1 जो टेबल है उसमें बताना है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ चेतावनी दी गई है कि डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क टू डू सो। किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी चीज़ को आपको क्या करना है, उसको ऐसे नहीं चखना है, ठीक है, जब तक कि ऐसा करने से आपसे कहा ना जाए। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चे होते हैं कि बिना जाने उसे क्या करते हैं, मुंह में लगा लेते हैं। ठीक है, तो आपको बिना जाने उसके बारे में अपने मुंह पे डाल के टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये चेतावनी है। डू नॉट टच एनी थिंग अनलेस आस्क टू डू सो। किसी भी वस्तु को तब तक आप टच न करें जब तक आपको ऐसा करने के लिए कहा ना जाए। ठीक है, ये भी क्या एक चेतावनी है। ठीक है, टेबल 5.1 है जिसमें सब्सटेंस के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि टेस्ट में, टेस्ट में कैसे हैं, सोर हैं या बिटर हैं या अनिर्दस, और मतलब खट्टे हैं या बिटर मतलब तीखे हैं या अदर कोई और टेस्ट का है। ठीक है, तो आपको टेस्ट बताना है, जैसे कि लेमन जूस का टेस्ट बताना है, ठीक है, ऑरेंज जूस का बताना है, विनेगर का बताना है, कर्ड, ठीक है, उसके बाद कॉमन टमेरिंड है, ठीक है, इसको इमली बोलते हैं, शुगर है, कॉमन सॉल्ट है, आंवला है, ठीक है, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, ठीक है, अनराइप मैंगो, ककम्बर, ये सारे जो सब्सटेंसेस है उसका आपको क्या बताना, टेस्ट बताना। ओके, देन नेक्स्ट, यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर, सम टेस्ट बिटर, सम टेस्ट स्वीट एंड सम टेस्ट सॉल्टी। कि आप अगर जब टेस्ट करोगे सारे चीज़ को तो आपको क्या ज्ञात होगा, आप क्या फाइंड करोगे? तो आपको ज्ञात होगा कि कुछ सब्सटेंस जो है वो क्या है, टेस्ट में खट्टे हैं, ठीक है, टेस्ट में क्या है, खट्टे हैं, कुछ क्या है टेस्ट में बिटर यानी तीखे हैं, कुछ टेस्ट में क्या है मीठे हैं, ठीक है, और कुछ टेस्ट में सॉल्टी हैं यानी सो खट्टा, बिटर, तीखा, स्वीट, मीठा एंड सॉल्टी मतलब नमकीन। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट में लगते हैं जब आप किसी सब्सटेंस को टेस्ट करते हो। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो टेस्ट में एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्म जानेंगे
एसिड एंड बेस। अब ये एसिड एंड बेस होता क्या है, ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये एसिड है ये बेस है, ठीक है। जैसे कि कर्ड, लेमन, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सो। जैसे कि दही होते हैं, नींबू के जूस होते हैं, ठीक है, ऑरेंज जूस होते हैं, विनेगर होते हैं, ये सब सारे टेस्ट में क्या होते हैं, सोर, यानी खट्टे होते हैं, ठीक है। दिस सबस्टांसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। ये सारे जो सबस्टांसेस हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें क्या मिला होता है, इसमें एसिड मिला होता है, ओके। द केमिकल नेचर ऑफ सच सबस्टांसेस इज एसिडिक, ठीक है, और ऐसे सबस्टांस का क्या होता है, केमिकल नेचर क्या होता है, वो एसिडिक होता है। जैसे कि कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये सब विनेगर, ये सब क्या है, टेस्ट में तो खट्टे होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्या मिले होते हैं, इसमें एसिड मिले होते हैं, ठीक है, और इनका केमिकल नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है, ओके। एंड नेक्स्ट, द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड एसिरा, ठीक है, एसियर, सॉरी एसियर। ये जो वर्ड होते हैं, ये जो एसिड का जो वर्ड है, ये लेटिन वर्ड से आया है, ये एसिड शब्द जो है वो लेटिन वर्ड से आया है, जिसे पहले क्या कहा जाता था, एसियर कहा जाता था, ठीक है, विच मीन्स सोर, जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा, यानी सोर, ठीक है। द एसिड इन दीज सबस्टांसेस आर नेचुरल एसिड, और इसका मतलब क्या होता है, खट्टा, और इसमें पाए जाने वाले जो, इस सबस्टांस में पाए जाने वाले जो एसिड होते हैं वो नेचुरल एसिड होते हैं, यानी कि प्राकृतिक अम्ल होते हैं, ठीक है, एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं, ठीक है, और नेचुरल को प्राकृतिक, यानी जितने भी एसिडिक नेचर के, यानी जो खट्टे वाले जो सबस्टांस होते हैं, जो खा स्वाद में यानी टेस्ट में खट्टे होते हैं, उसमें क्या मिला होता है, एसिड मिला होता है, ठीक है, और ऐसे सबस्टांस में क्या होता है, नेचुरल एसिड होता है, ठीक है, ऐसे सबस्टांस में पाए जाने वाले जो एसिड होते हैं वो नेचुरल एसिड होते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट, व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, खाने का सोडा कैसा होता है, व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा, खाने का सोडा कैसा होता है, ठीक है। डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर, क्या इसका जो टेस्ट होता है ये भी खट्टा होता है, ठीक है, इफ़ नॉट व्हाट इज़ इट टेस्ट, ठीक है, यदि नहीं तो इसका टेस्ट, सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर, इट मीन्स अगर इसका स्वाद खट्टा नहीं होता है तो इसका स्वाद कैसा होता है, ठीक है, क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, ठीक है, सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर, इट मीन्स, यानी इसका टेस्ट, यदि इसका टेस्ट खट्टा नहीं है तो इसका मतलब है कि इसमें क्या है, कोई भी, दैट इज़ हैज़ नो एसिड इन इट, यानी कि इसमें कोई एसिड प्रेजेंट नहीं है, यानी एसिड नहीं है। अगर जो बेकिंग सोडा है, यानी खाने वाला सोडा है, जो बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी बोला जाता है, ठीक है, ये खाने का ही सोडा होता है, अगर ये टेस्ट में खट्टे नहीं हैं तो इसका टेस्ट होता कैसा है, अगर ये खट्टा नहीं है, यानी कि इसमें एसिड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ बिटर इन टेस्ट, ठीक है, तो इसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा, ठीक है, बिटर, कड़वा, तीखा, ठीक है। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, इट्स फील्स सॉपी, ठीक है, सॉपी, ठीक है, जब आप क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को अपनी उंगली के बीच से लगड़ेंगे तो ये कैसा होगा, साबुन के जैसा चिकना होगा, फील्स सॉपी, ठीक है, साबुन की तरह चिकना होगा, जब अपनी फिंगर से आप उस सोडा को, बेकिंग सोडा को, अपने सॉल्यूशन को अपने हाथ से रब करेंगे, यानी लगड़ेंगे, तो आपको कैसा फील होगा, सॉपी फील होगा, यानी कि साबुन की तरह चिकना फील होगा, ठीक है। जनरली सबस्टांसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सॉपी ऑन टचिंग आर नॉन एज बेस, ठीक है। तो यह देखा गया है कि ऐसा सबस्टांस जिसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है और उसे टच करने पर साबुन की तरह यानी सोपी लगता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, बेस, बेस को हिंदी में क्या कहते हैं, क्षारक, ठीक है, क्या कहते हैं, क्षारक, को याद रखना है, ठीक है। तो एक बार फिर बता देती हूँ कि ऐसा सबस्टांस जिसका टेस्ट क्या होता है, कड़वा होता है यानी बिटर होता है और उसे टच करने पर साबुन के जैसा लगता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बेस यानी क्षारक, ठीक है। द नेचर ऑफ सभी सबस्टांसेस इज सेड टू बी बेसिक, और ऐसे सबस्टांस का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक यानी कि क्षारकीय होता है, ठीक है, दैट्स क्लियर। एंड नेक्स्ट,
इफ यू कैन नॉट टेस्ट एवरी सबिस्टांस हाउ डू यू फाइंड इट्स नेचर। अगर मान लीजिए आपने कोई सबिस्टांस को नहीं चखा, आप नहीं चख सकते हैं यानी उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम उसके नेचर को कैसे बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए आप किसी सबिस्टांस है, बहुत सारे सबिस्टांस होते हैं, अगर उसको आप टेस्ट नहीं कर सके, ठीक है, चख नहीं सके, तो उसके आप नेचर को कैसे बताएंगे। ठीक है, तो स्पेशल टाइप ऑफ सबिस्टांसिस आर यूज टू टेस्ट वेदर सबिस्टांस इज एसिडिक और बेसिक। तो इसके लिए क्या होता है, कुछ जो जो सबिस्टांस होते हैं उसके एसिडिक और बेसिक, इसके मतलब टेस्ट करने के लिए एक स्पेशल प्रकार का यानी विशेष प्रकार की क्या होती है, पदार्थ का यानी सबिस्टांस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो दिस सबिस्टांस आर नॉन एज इंडिकेटर, और उस सबिस्टांस को क्या कहते हैं हम लोग, इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है, इंडिकेटर याद रखना है, इंडिकेटर, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को चख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो आप उसका नेचर कैसे बताएंगे। तो उसके लिए अभी हमने बताया, उसके लिए एक स्पेशल टाइप का सबिस्टांस का यूज़ किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर, और इंडिकेटर को हिंदी में कहते हैं सूचक। ठीक है, इंडिकेट करना, सूचक, राइट। एंड नेक्स्ट, द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सबिस्टांसेस। और ये इंडिकेटर क्या करते हैं, जब इंडिकेटर को जब क्या करते हैं, एसिडिक एवं बेसिक सॉल्यूशन में मिलाया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, उनका क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिड और बेसिक सबिस्टांसेस। हम लोग कह रहे हैं कोई एसिड और बेसिक सबिस्टांसेस के सॉल्यूशन में उस इंडिकेटर को डालते हैं तो वो सॉल्यूशन का क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि टर्मरिक यानी हल्दी, लिटमस, ठीक है, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स यानी गुड़हल, गुड़हल होता है ना उसका, उसको उसके पेटल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अक्रिंग इंडिकेटर्स। तो ये जो हल्दी हैं यानी कि टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स यानी गुड़हल के जो पेटल्स हैं, ये सारे जो हैं, ये सारे क्या हैं, पेटल्स को क्या बोला जाता है, पेटल्स को पंखुड़ी बोला जाता है। ठीक है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये नेचुरल रूप से पाए जाने वाले क्या हैं, इंडिकेटर हैं। ठीक है, ये नेचुरल रूप से पाए जाने वाले इंडिकेटर हैं, ये याद रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे कुछ टेबल है, डू यू नो नेम ऑफ एसिड, फिर फाउंडेन। तो यहाँ पे एसिड के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो कुछ एसिड के नाम दिए गए हैं, जिसमें से एक है एसिटिक एसिड, ठीक है, जो किस में पाया जाता है, विनीगर में। फॉर्मिक एसिड, वो एंट्स के स्टिंग में, जो चींटी का स्टिंग होता है, चींटी का जो डंक होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। साइट्रिक एसिड किस में होते हैं, साइट्रिक फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स। ये लेमन्स में, ऑरेंज में कौन से एसिड होते हैं, साइट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में होते हैं, कर्ड यानी दही में। ऑक्सलिक एसिड किस में होते हैं, स्पिंच यानी कि पालक के साग में। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड किस में होते हैं, विटामिन सी। तो विटामिन सी कौन कौन है, जितने खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी होते हैं। ठीक है, जैसे आंवला, साइट्रस फ्रूट, ये सब में कौन से एसिड होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, देन नेक्स्ट, टैटरिक एसिड किस में होते हैं, टैमरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, ये सारे जो होते हैं इसमें टर्मरिक एसिड होते हैं। ठीक है, जैसे इमली, अंगूर, कच्चे आम, अनरैप, ठीक है, मैंगोज यानी कच्चे आम में, सारे में क्या होते हैं, एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट है, ऑल द एसिड बेंटोनॉइड अबव अकर इन नेचर। ठीक है, तो ये जो होते हैं ऊपर जितने भी बताए गए हैं, ये सारे किस कौन से नेचर के हैं, ये सारे एसिडिक नेचर के हैं। ओके, देन नेक्स्ट, नेम ऑफ बेस, जो ऊपर हमने बताया वो एसिड बताया, अब हम बताएंगे बेस के बारे में। ठीक है, जैसे कि बेस किस में प्रेजेंट होता है, जैसे कि क्षारीय, ठीक है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में प्रेजेंट होता है, लाइम वाटर में यानी चूने के पानी में। ठीक है, देन नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस में प्रेजेंट होते हैं, विंडोज क्लीनर। ठीक है, खिड़की को, खिड़की के जो कांच होते हैं उसको साफ करने के लिए जो क्लीनर यूज़ किया जाता है उसमें क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये साबुन में यानी सोप में प्रेजेंट होते हैं, साबुन में। ठीक है,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होते हैं, मिल्क ऑफ ठीक है मैग्नीशियम, ठीक है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी कि दूधिया मैग्नीशियम में, ठीक है। तो ये सारे जो बताए गए हैं ये सारे बेस हैं, ठीक है, किस में प्रेजेंट होते हैं, इन सारे सब्सटेंस में, ठीक है, गॉट इट। अब नेक्स्ट है अब है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंडर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं ये हमारे आसपास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, होते हैं हमारे अराउंडर्स। लिटमस, लिटमस क्या है, ए नेचुरल डाई, लिटमस है ए नेचुरल डाई यानी कि एक प्राकृतिक रंजक यानी कि नेचुरल डाई लिटमस। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। तो सबसे बात बताया गया है कि हम लोग मोस्ट कॉमनली यानी कि बहुत कॉमन रूप से ये नेचुरल इंडिकेटर्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं लिटमस को, ठीक है। लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, एक क्या है नेचुरल इंडिकेटर है, सबसे सामान्य रूप से हम लोग क्या करते हैं इसका यूज़ करते हैं ठीक है, यानी यूज़ करने वाला क्या है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लिटमस, क्या कहते हैं लिटमस। अब नेक्स्ट है इट इज़ एक्सक्रेटेड फॉर्म लीचेंस, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग लाइकेन यानी कि लाइकेन, ये लाइकेन से क्या होता है निष्कर्षित होता है, एक्सक्रिएट होता है, ठीक है, एक्सक्रेटेड होता है लाइकेन्स। इट हैज़ अ मैव्यू यानी पर्पल, मैव्यू कलर यानी पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। तो ये क्या होता है डिस्टिल्ड वाटर में इसका रंग जो होता है वो क्या होता है माव होता है, ठीक है, क्या होता है माव यानी कि नील, नील कलर जो होता है ना नीला कलर, नील सोन होता है जिसे नील सोन बोलते हैं, नीला कलर जब इसे डिस्टिल वाटर में आप डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, मतलब कि वो उसका कलर माव कलर हो जाएगा, ठीक है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट रन्स रेड एंड व्हेन एडेड टू ए बेसिक सॉल्यूशन इट रन्स ब्लू। उसके बाद क्या बताया गया है, जब इसे आप एसिडिक मदे मतलब कि एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है, ठीक है, और फिर जब इसे आप क्या करेंगे बेसिक सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। तो आपने यहाँ क्या देखा, जब आप इसे डिस्टिल्ड वाटर में मिलाएंगे तो इसका कलर कुछ मतलब होता है ना माव कलर, नील सोन कलर, वो कलर हो जाएगा। जब इसे आप एसिडिक में मिलाएंगे इसका कलर रेड हो जाएगा, जब इसे बेसिक सॉल्यूशन में मिलाएंगे इसका कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिप ऑफ पेपर। तो ये जो अवेलेबल होते हैं लिटमस, ये सॉल्यूशन के रूप में भी अवेलेबल होते हैं और पेपर स्ट्रिप के रूप में भी अवेलेबल होते हैं। तो उस पेपर स्ट्रिप को बोला जाता है लिटमस पेपर, ठीक है, जब से सॉल्यूशन के रूप में बोलेंगे तो उसे हम सॉल्यूशन वाला बोलेंगे कि ये लिटमस क्या है सॉल्यूशन वाला है, जब ये पेपर स्ट्रिप के रूप में मिलेगा तो इसे हमें क्या कहते हैं लिटमस पेपर के नाम से जानेंगे, ठीक है। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और जनरली ये जो लिटमस पेपर होते हैं वो रेड कलर के और ब्लू कलर के मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ये फिगर बताया गया है, ये फिगर आपका लाइकेन का है, ठीक है, अभी अभी हमने बताया था कि लाइकेन क्या है, लाइकेन जिसे हम लोग कहे थे कि इससे लिटमस जो है वो क्या होता है एक्सक्रिएट होता है, ठीक है, जब इसे इस लाइकेन को अगर आप क्या करेंगे डिस्टिल वाटर में मिलाएंगे तो इसका कलर मॉक कलर हो जाएगा, ठीक है, नील सोन कलर हो जाएगा, ठीक है, तो यही लाइकेन। देन नेक्स्ट और ये देखिए ये है रेड कलर का लिटमस पेपर, ये है ब्लू कलर का लिटमस पेपर, जैसे यहाँ बता दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बूझो और पहली का कुछ सवाल है, ठीक है, यह बताया गया है कि कैन आई टेस्ट ऑल सबस्टांस टू फाइंड देयर टेस्ट। तो वो कहते हैं, बूझो कहता है कि क्या मैं सभी सबस्टांस के टेस्ट को फाइंड करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ यानी उसे टेस्ट कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन है उसका। तो सर पहली बोलती है नो हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, वी शुड नॉट टेस्ट अनोन सबस्टांसेस दे कुड हार्म अस। नहीं, क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी, हमें
बिना जाने किसी को किसी सब्सटेंस को नहीं चखना है। अगर हम चखते हैं तो हमें से क्या हो सकती है, हानि हो सकती है, हमें से हानि पहुंच सकता है। ठीक है, तो आप भी समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि बिना जाने बिना परखे, ठीक है, किसी चीज़ को यानी किसी सब्सटेंस को हमें नहीं चखना चाहिए। ठीक है, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। देन नेक्स्ट एक्टिविटी 5.1। अब हम लोग एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि कैसे कैसे ये लिटमस का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि एक्टिविटी 5.1 में है, मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप या टम्बलर या टेस्ट ट्यूब। तो को क्या करना है, प्लास्टिक के किसी प्याला होता है या कटोरा होता है, ठीक है, या कोई ये है क्या बोलते हैं टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसमें आपको कुछ लेमन जूस को लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। आपको क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब में लेमन जूस लेना है और उसमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी मिलाना है, मिक्स सम वाटर। ओके, देन नेक्स्ट पुट अ ड्रॉप ऑफ अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। अब आपको क्या करना है, ड्रॉपर की हेल्प से जो विलियन आपने तैयार किया उस विलियन में से एक बूंद आपको क्या करना है, रेड लिटमस पेपर पर डालना है। जैसे कि ये मान लीजिए ये रेड वाला लिटमस पेपर है, उसका एक बूंद यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज देयर एनी चेंज इन कलर। तो क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है, कोई चेंजेस आते हैं। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम एक्सपेरिमेंट क्या करना है, रिपीट करना है ब्लू लिटमस पेपर के साथ। ये तो रेड वाले थे, अब यहाँ पे ब्लू है, अब ब्लू वाले पे क्या करना है, उस सॉल्यूशन के एक बूंद को डालना है। ठीक है, और आपको पहचानना है कि क्या इसमें कुछ चेंजेस आए हैं उसके कलर में। ठीक है, नेक्स्ट नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंजेस इन कलर। तो आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है कि आपने अगर देखा कि उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, उसका नोट डाउन करना है। ठीक है, परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। उसके बाद आपको यही एक्टिविटी क्या करना है, दोहराना है, किसके साथ, कुछ इसके साथ। ठीक है, टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सॉप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, इफ़ पॉसिबल मिक्स सॉल्यूशन इज डिस्टिल वाटर। ठीक है, आपको क्या करना है, ये सारे जो सब्सटेंसेस के नाम बताए गए हैं, यानी ये सारे सब्सटेंसेस के जो नाम बताए हैं उसमें भी आपको टेस्ट करना है। ठीक है, उस सॉल्यूशन को डाल मिला करके आपको देखना है कि उसमें क्या, उस सारे चीज़ में क्या चेंजेस आए। यदि अगर आपको जो भी सॉल्यूशन बनाना है तो अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो आप क्या कीजिए, सिर्फ डिस्टिल वाटर में बनाइए उस सॉल्यूशन को। ठीक है, आप जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसको डिस्टिल वाटर में सॉल्यूशन बनाइए और इन सारे चीज़ पे क्या कीजिए, टेस्ट कीजिए। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2। और आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसको रिकॉर्ड करके 5.2 जो टेबल है उसमें डालना है। ठीक है, इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट नेम दोज सब्सटेंसेस। आपको क्या करना है कि आपको ऐसा बनाना है, टेबल बनाना है, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका क्या होता है, लिटमस पेपर था उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, तो इनका नाम भी आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। कि मान लीजिए आपने सारे सब्सटेंस पे टेस्ट किया, ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि लिटमस पेपर जो था उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा उस सॉल्यूशन से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसका भी जो आपने रिकॉर्ड तैयार किया उसको भी नोट डाउन करना है। ठीक है, द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिड और एसिडिक। तो यह बताया गया है कि ऐसे सॉल्यूशन जो रेड एंड नीले लिटमस पेपर के रंग को यानी इसके कलर को चेंज नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी वो ना ही रेड वाले पे कोई इफेक्ट डाल रहा है, ना ही वो रेड पे इफेक्ट डाल रहा है। तो हम क्या कहेंगे उस सॉल्यूशन को, क्या कहेंगे उस सॉल्यूशन को, कहेंगे
न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। तो ऐसा सब्सटेंस में क्या होता है, ना तो वो एसिडिक होते हैं नेचर के, ना ही वो बेसिक होते हैं नेचर के, ठीक है। तो आपको समझ जाना है जो एसिडिक भी नहीं होंगे नेचर में और बेसिक भी नहीं होंगे तो उसे कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे हम लोग, न्यूट्रल कहेंगे, यानी हिंदी में उसे उदासीन, ठीक है, उदासीन, ठीक है, उदासीन सॉल्यूशन यानी उदासीन विलयन, ठीक है, गॉट इट, समझ गए होंगे आप लोग स्टूडेंट। देन नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ बताए गए हैं बॉक्स में, बताया गया है कि टू प्रिपेयर लाइम वाटर टेक सम वाटर इन अ टम्बलर एंड एड सम लाइम यानी चूना इन टू इट, स्टायर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, ठीक है। उसके बाद फॉर ए लिटिल फॉर्म द टॉप दिस इज लाइम वाटर, ठीक है। आपको क्या करना है, जो लाइम वाटर है उसको बनाने के लिए किसी बोतल में लाइम की कुछ मात्रा को क्या करना है, यानी कि लाइम जो होता है चूना का कुछ मात्रा लेना है, उसको पानी में घोलना है, ठीक है, यानी वाटर में घोलना है, ठीक है। सॉल्यूशन को क्या करना है, आपको थोड़ा सा हिला करके कुछ देर के लिए रख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, बोतल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कुछ, उसका जो कुछ उसके ऊपर देखिएगा कुछ पानी की तरह बैठ जाता है, ठीक है। उसे क्या करना है, किसी कंटेनर में उसको उसको निकाल कर रख देना है। जब अब उसको निकालेंगे तो वही क्या कहलाता है, लाइम वाटर। मान लीजिए कि ये कंटेनर है और इसमें हमने क्या किया, चूना को घोल दिया, ठीक है। जब घोलने के बाद देखेंगे यहाँ पे कुछ ऊपर में कुछ पानी बैठ जाता है, ठीक है, इसी पानी को आपको निकाल देना है, तो यही पानी कहलाता है। यहाँ पर नीचे चूना बैठ जाएगा और ऊपर में ये पानी बैठ रहता है, ठीक है, इसी पानी को निकालना है किसी कंटेनर में, तो ये होता है लाइम वाटर यानी चूने के पानी, ठीक है। देन नेक्स्ट, यह कुछ टेबल हमने बताए थे कि आपको जो रिकॉर्ड तैयार करना है इसी टेबल 5.1 में, जैसे सीरियल नंबर दे दिया है यहाँ पे, यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन दे दिया है, आपको बताना है इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, यानी रेड लिटमस पेपर में कौन कौन से सब्सटेंसेस पर इफेक्ट पड़ा और ब्लू लिटमस पेपर में कौन कौन सब्सटेंसेस पर इफेक्ट पड़ा, ठीक है, ठीक है। अब बताना है कि दोनों में से इसका क्या सॉल्यूशन, इंटरफेरेंस बताना है आपको, ठीक है। तो ये है 5.2 का टेबल। देन नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिसे टेस्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ बताया गया है कि फिगर चिल्ड्रंस परफॉर्मिंग लिटमस टेस्ट, देखिए बच्चे यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं लिटमस पेपर पे, जैसे कि यहाँ बताया गया है, देखिए ये है लिटमस पेपर और ये वाला सॉल्यूशन का क्या है, ड्रॉप है, और यहाँ देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिटमस टेस्ट का टेस्ट कर रहे हैं, पेपर का टेस्ट कर रहे हैं ये इसी तरह, ठीक है। देन नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट टर्म है टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर, जैसे अभी हम ही हमने पढ़ा लिटमस के बारे में, तो हमने टर्मरिक के बारे में बताया था कि टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। इसे भी हम क्या करेंगे, एक्टिविटी 5.3 के द्वारा समझेंगे कि टर्मरिक कैसे इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 5.2, टेक अ टेबल स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, ठीक है, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। आपको क्या करना है, एक चम्मच हल्दी का पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा सा वाटर मिला के इसका पेस्ट तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट है मेक टर्मरिक पेपर बाय डीपोजिसिंग, ठीक है, टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट, कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेंड। आपको क्या करना है, ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर, ठीक है, पर क्या करना है, उस हल्दी यानी उस टर्मरिक के पेस्ट को लगा कर क्या करना है, उसे एक पेपर बना देना है, एक हल्दी वाला पेपर यानी उसके टर्मरिक वाला पेपर को बना देना है, ठीक है, और उसे क्या करना है, उसे ड्राई कर देना है, सुखा देना है, ठीक है। उसके बाद जो हल्दी वाला पेपर था उसकी पतली पतली पट्टियाँ को काट लेना है, उसकी पतली पतली पट्टियाँ को पेपर एंड ड्राइंग इट कट द स्ट्रिप्स, उसे उसके पतली पतली पट्टी जैसे स्ट्रिप की तरह उसे काट लेना है, ठीक है। देन नेक्स्ट, पुट ए ड्रॉप ऑफ ए सॉफ्ट सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर, उसमें क्या करना है, उस जो टर्मरिक पेपर आपने तैयार किया उस पर क्या करना है, आपको एक बूंद साबुन का सॉल्यूशन डालना है, जो साबुन होते हैं सॉफ्ट होते हैं
उसका एक बूंद उसके सॉल्यूशन उसको भिंगा करके उसका एक बूंद क्या करना है उस साबुन का उस सॉल्यूशन को उस हल्दी वाले पेपर पे आपको क्या करना है बूंद को डालना है, पुट अ ड्रॉप। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस आया। ठीक है, नेक्स्ट है तो इसी पर दिखाया गया है, सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस आल्सो। तो इसी प्रकार 5.3 में जो बताए गए हैं कि सॉल्यूशन का आपको क्या करना है, उसे उसका टेस्ट करना है। ठीक है, और अपने जो आपने जो सॉल्यूशन आपने जो टेस्ट किया उसको ऑब्जर्वेशन किया उसको क्या करना है 5.3 में नोट करना है। ठीक है, और आपको बताना है कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, और दूसरे सब्सटेंस के सॉल्यूशन से भी आपको क्या कर सकते हैं, आप उसका टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सॉल्यूशन और भी कोई सॉल्यूशन है तो आप उसका भी यूज़ करके टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बताया गया है यहाँ पे कुछ यहाँ बताए गए हैं कि यू कैन प्रिपेयर अ ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन अ सीट और प्लान वाइट पेपर एंड ड्राइट, ड्रॉ ए ब्यूटिफुल फ्लावर विद सॉफ्ट सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉटन बर्ड, यू विल गेट अ ब्यूटिफुल ग्रीटिंग कार्ड। यह बताया गया है कि आप क्या कीजिए, अपने मदर यानी कि अपने मदर के जन्मदिन पर यानी उसके बर्थडे पर उनके लिए स्पेशल टाइप का क्या कीजिए, ग्रीटिंग कार्ड आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वाइट कलर का एक सफ़ेद क्या करना है, वाइट सीट लेना है, एक वाइट पेपर लेना है। ठीक है, और उसको क्या करना है, उस पर हल्दी का क्या करना है, उस पर हल्दी का पेस्ट लगा देना है और उसे क्या करना है, ड्राई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, रुई की हेल्प से जो रुई होती है उस मतलब कॉटन बर्ड जो होती है उस कॉटन बर्ड की हेल्प से आपको क्या करना है, इस पर चूने के जो पानी होते हैं यानी कि जो लाइम वाटर होते हैं उसकी हेल्प से आपको एक बहुत सुंदर यानी ब्यूटीफुल क्या करना है, ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। तो आपको एक क्या मिलेगा, एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, आप क्या कर सकते इसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये बन रहा है, देखिए ये वाला चीज़ है ना, ये क्या है, टर्मरिक पेस्ट है, ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये पेपर है जिसको हल्दी से लपेट दिया गया है और उसे सुखा दिया गया है। देन उसके बाद ये कॉटन बर्ड है उसकी हेल्प से इसमें क्या किया गया है, उस चूने के पानी से या सॉफ्ट सॉल्यूशन से क्या किया गया है, इसमें ड्राइंग बनाया जा रहा है, एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया जा रहा है सुंदर सा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे, जैसे यहाँ पे ग्रीटिंग कार्ड बन रहा है यहाँ पे देखिए रेड रेड हो जा रहा है, क्यों, तो आपने आगे पढ़ा। ठीक है, देन नेक्स्ट अब है चाइना रोज एज इंडिकेटर। तो आपने एक्टिविटी के थ्रू जान लिया कि कैसे हल्दी का यूज़ हुआ एक नेचुरल इंडिकेटर के रूप में, अब वैसे ही चाइना रोज होता है वो भी एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। तो इसे भी हम लोग क्या समझेंगे, 5.3 के द्वारा समझेंगे, एक्टिविटी 5.3 के थ्रू। ठीक है, जैसे कि यहाँ बताया गया है, कलेक्ट सम चाइना रोज यानी गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस दैम इन अ बीकर। आपको क्या करना है, गुड़हल जो होती है उसके कुछ पेटल्स को आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद एड सम सम उसमें क्या करना है, एड सम वार्म वाटर। ठीक है, एड सम वार्म वाटर, कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम्स टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। ठीक है, उसका क्या करना है, आपको उस पेटल्स को किसी बीकर में रखना है और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला देना है। ठीक है, यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 5.1। आपको क्या करना है, उस सॉल्यूशन को कुछ समय तक के लिए रखना है जब तक क्या हो, उस पानी का रंग, जो पानी होता है वो रंगीन ना हो जाए। ठीक है,
उसके बाद जैसे कि आपको फिर वह समझा देती हूँ, आपको क्या करना है, कुछ पेटल्स लेना है, किसका, उस चाइना रोज का कुछ पेटल्स को लेना है और उसे किसी बीकर में रख देना है, यानी किसी कंटेनर में या बीकर में रख देना है, और उस बीकर में क्या करना है, गर्म पानी मिला देना है, और उस बीकर में जो आपने पेटल्स रखा उसे कुछ देर के लिए रख देना है। तब तक रखना है जब तक कि वो पानी का जो रंग है वो रंगीन ना हो जाए, तो उस पेटल्स के कलर का ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द इंडिकेटर ऑन एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। आपको बताना है कि आपने जो रंगीन जो था वो जो कलरफुल वाटर था उसको क्या करना है, इंडिकेटर के रूप में यूज़ करना है, यानी आपने जो इंडिकेटर में आपने जो तैयार किया चाइना रोज का जो वाटर था, पानी था, आपने जो तैयार किया, अब उसको क्या करना है, हम लोग को इंडिकेटर के रूप में यूज़ करना है, ठीक है। तो इस इंडिकेटर की जो 5-5 बूंदे हैं आपको क्या करना है, 5.4 में दिए गए जो जितने भी सॉल्यूशन है उसको मिलाना है, उसमें मिलाना है, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, चाइना रोज इंडिकेटर्स टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, मैजेंटा एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। तो क्या होता है, जो इंडिकेटर का जो एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जो है इंडिकेटर का एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जो चाइना रोज के रूप हम लोग क्या कर रहे थे, इंडिकेटर्स के रूप में जो यूज़ कर रहे थे, तो बताना है कि जो चाइना रोज का जो ये था, चाइना रोज का जो आपका पेटल्स था उसका जो इंडिकेटर वो एसिडिक सॉल्यूशन को क्या किया, गहरा गुलाबी यानी मैजेंटा कलर, ठीक है। और जो क्षारकीय यानी कि जो बेसिक सॉल्यूशन था उसको क्या कर दिया, ग्रीन बना दिया, यानी दोनों का कलर चेंज कर दिया, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, जैसे कि हमने एक हम क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उस पेटल्स को डाल देते हैं, ठीक है, उस इसमें गर्म पानी को ऐड कर देते हैं और कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, जब तक इसका पानी क्या हो जाए, पूरा उस पेटल्स के कलर का ना हो जाए, क्योंकि हमको क्या करना है, चाइना रोज को इंडिकेटर के रूप में यूज़ करना है। आपको क्या करना है, जो 5.3 में जितने भी ये 5.3 के ये 5.3 के हाँ ये कहाँ गए हाँ ये 5.3 का जो सॉल्यूशन है, देखिए ये जो 5.3 है, ये जितने टेस्ट सॉल्यूशन दिए गए हैं ये सारे, इन सारे पे क्या करना है, चाइना रोज को इंडिकेटर के रूप में यूज़ करना है, यानी लेमन जूस पे क्या करना है, उस चाइना रोज के जो हैं जो तैयार किए गए थे इंडिकेटर, उसके उस बूंद को इस लाइम जूस में डालना है और देखना है कि कलर क्या हो गया, ऑरेंज जूस में डालना है, विनीगर में डालना है, मिल्क और मैग्नीशियम में डालना है, बेकिंग सोडा में डालना है, लाइम वाटर में डालना है, शुगर में डालना है, कॉमन सॉल्ट में डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है उसका इफेक्ट बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे कि कुछ यहाँ बताया है 5.4, देखिए अच्छा, ये वाला 5.3 तो इसके लिए था, ठीक है, वो टर्मरिक के लिए था, सॉरी ये टर्मरिक के लिए था, 5.3 टर्मरिक के लिए था, यानी कि टर्मरिक वाला सॉल्यूशन के लिए था ये जो हमने बताया। अब ये जो चाइना रोज का सॉल्यूशन है इसके लिए 5.4 दिया गया है, ठीक है, टेबल, यानी कि चाइना रोज का जो सॉल्यूशन था हम ये सारे सबस्टांस पे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है, इनिशियल कलर और फाइनल कलर, पहला कलर देखेंगे और उसका लास्ट कलर देखेंगे कि कैसे कैसे चेंज हुआ, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी एसिडिक चीज़ पे डालते हैं ये चाइना रोज के ड्रॉप को उसके इंडिकेटर के रूप में, तो एसिडिक चीज़ में क्या होता है, उसका कलर मेजेंटा हो जाता है, ठीक है, मेजेंटा कलर। लेकिन जब वही बेस पे डालते हैं तो उसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर। आप समझ गए, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि पहली बुझो वाला, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट वैन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, वाई। तो बोल रहा है कि जब मैं कोई ड्राई लिटमस पेपर खाने के सोडे के सॉलिड चीज़ पे रखता हूँ तो मुझे उसका फाइनल रिजल्ट नहीं मिलता है, क्यों? तो वो बोलती, पहली बोलती है, मेक ए सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड ट्राई देन ट्राई। तो खाने के सोडे का जो सॉल्यूशन होता है उसका हमको क्या करना है, बना के उसको टेस्ट करना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्यों नहीं होता है, ठीक है।
यहाँ पे है कुछ और बताए गए हैं, जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई अ टर्मरिक स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न टू रेड वैन इट इज वॉश्ड विथ सॉप, इट इज़ बिकॉज द सॉप सोल्यूशन इज बेसिक। तो यहाँ पे मुझे बोलता है कि अब मैं समझ गया कि मेरी वाइट कमीज पर पड़ा हल्दी का जो दाग होता है वो साबुन के धोने से लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है साबुन का, वो बेसिक हो जाता है। जैसे ही साबुन के सॉल्यूशन पे अगर उस हल्दी पाउडर पे पड़ता है तो उसका कलर लाल हो जाता है। ठीक है, ये टेस्ट आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप हाथ में हल्दी लगा लो और फिर साबुन से हाथ धो लो तो देखना आपका हाथ लाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, क्यों, क्योंकि साबुन जो होता है वो नेचर में बेसिक होता है यानी क्षार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये वाला है, एसिड इंडिकेटर बेस, यानी कि ये एसिड, एसिड को क्या कर दिया, मेजेंटा कलर बना दिया, ये इंडिकेटर अब बेस को क्या बना दिया, ग्रीन कलर बना दिया, यानी इस इंडिकेटर का हमने यूज़ किया, इस चाइना रोज को इंडिकेटर के रूप में, ये चाइना रोज है। ठीक है, और इसकी इस बूंद में डाल, इस बूंद पे डाला, यानी ये एसिड है, ये एसिड सॉल्यूशन है और ये बेस सॉल्यूशन है। जैसे इसको हम इसमें डालें तो इसका कलर मेजेंटा हो गया, और इसको इसमें डालें तो इसका कलर ग्रीन हो गया। ठीक है, यानी बेस को इस, ये क्या किया, ग्रीन में चेंज कर दिया और एसिड को ये मेजेंटा कलर में चेंज कर दिया। ठीक है, दैट्स फाइनल। देखिए यहाँ बताया गया है, चाइना रोज फ्लावर एंड इंडिकेटर पेपर फ्रॉम इट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब है कुछ यहाँ पे कुछ बताया गया है, पहली ब्रॉट अ फॉलोइंग पहली रेडल फॉर यू। पहली क्या है, कुछ ऐसे समस्या को लेकर आई है। ठीक है, वो बता रही है, कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट। ठीक है, इज़ इट एन एसिड और अ बेस, डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विथ इट्स टेस्ट। बताया क्या है कि कॉफ़ी का रंग क्या होता है, वो ब्राउन होता है। ठीक है, और उसका स्वाद क्या होता है, टेस्ट कड़वा होता है। ठीक है, एसिड है या ये बेस है, तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्या है, क्वेश्चन है, और टेस्ट के कारण से क्या है, ये अनजान है। ठीक है, और जब तक हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जानेंगे कि आखिर ये कैसा होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है 5.4 एक्टिविटी है। इसमें है कि बताया गया है कि इसमें कुछ ऐसा चीज़ बताया गया है जो टीचर्स से आपको क्या करना है, सलाह लेना है। द टीचर्स इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डायल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हीज हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाय स्कूल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी लाइम वाटर, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। ठीक है, आपसे कोई पूछ दिए कि लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है तो आप क्या बोलेंगे, रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये बताया गया है कि जो टीचर्स हैं उसे आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है कि वे अपने स्कूल की लेबोरेटरी में या आसपास के किसी जो स्कूल हैं उसके क्या करना है, बहुत सारे केमिकल्स को क्या करना है, अवेलेबल करवाना है। जैसे वो केमिकल का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं, ये सब सारे केमिकल्स का नाम है, और उसको क्या करना है, अपने स्कूल के लेबोरेटरी में आपको अपने टीचर्स से रिक्वेस्ट करना है कि ये सारे चीज़ क्या हो जाए, हमारे स्कूल के लेबोरेटरी में उपलब्ध हो। ठीक है, देन नेक्स्ट जैसे बताया गया यहाँ पे, यहाँ पे कुछ जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ग्रेट केयर सॉल्यूशन, ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल
handling laboratory acid and base because these are corrosive in nature, irritating and harmful to skin. बताया गया है कि जो लेबोरेटरी हैं, लेबोरेटरी में जो एसिड और जो बेस होते हैं उसके रख रखाव में क्या करना चाहिए, बहुत ही सावधानी बरतना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, किस नेचर के होते हैं? कोरोसिव नेचर के होते हैं, यानी कि संक्षारक जिसे बोला जाता है, ठीक है? और शरीर नेचर के होते हैं और ये क्या कर सकते हैं, स्किन में स्किन को हानि पहुंचा सकते हैं, ठीक है? ठीक है, और स्किन के लिए क्या होते हैं, इरिटेटिंग हो सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या करना है, आपको चेतावनी रखना है, आपको हमेशा सावधानी रखनी है कि आप जब भी केमिकल्स का यूज़ करें उसको अच्छे से करें। अगर के लेबोरेटरी में केमिकल्स हैं एसिड या बेस, इसको अच्छे से रखना है, ठीक है? अपने हाथों से बचा कर रखना है, ये बहुत सारी चेतावनी है, और बच्चों से इसे दूर रखना है। ये कोरोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट है, ये सारे तो कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में न्यूट्रलाइजेशन। ये जो न्यूट्रलाइजेशन है ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, ठीक है? यानी अपने फर्स्ट वीडियो में जाना एसिड और बेस के बारे में, ठीक है? ऐसे कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें समझ में नहीं आया है या कुछ ऐसे डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आती हूँ न्यू टॉपिक लेके, जिस टॉपिक का नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण, ठीक है? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, ठीक है? तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय एंड टेक केयर।